केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा देहात के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। पत्रकारों के सवाल, भाजपा लगातार उपचुनाव हार रही है, क्या भाजपा का जनाधार घटा है और 2019 का चुनाव किस तरीके से भाजपा अपने सामने खड़े होने वाले महागठबंधन का मुकाबला करेगी। इन सब बातों पर मंत्री वीके सिंह ने कहा कि गठबंधन तो पहले भी 2014 में भी बने थे, अब 19 के चुनाव में आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी से बाहर ज्यादा दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी में कम है। देखिए, उपचुनाव उपचुनाव, समय कम है, लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है, कौन कैंडिडेट होता है, कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। उसको मूल इलेक्शन के साथ जोड़कर उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए। उपचुनाव उपचुनाव, उसमें कई चीज़ें होती हैं, कहीं पर कैंडिडेट कौन है, वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता उस उपचुनाव को कैसे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए समीकरण क्या बने हैं जो कि बहुत कम समय के लिए हैं, ये उस बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे। तो इसलिए उपचुनाव को उपचुनाव की दृष्टि से देखिए, मेन चुनाव के उसमें मत देखिए। जिस तरह से महागठबंधन तैयार हुआ है उसको लेके बहुत गठबंधन तैयार होते हैं और उसके बाद कुर्सी की लड़ाई चलती है, गठबंधन टूट भी जाते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो गठबंधन बनेगा 2019 में सब मिलके संभव है? मैं कह तो रहा हूँ कि गठबंधन तो 2014 में भी बने थे, अभी भी बन रहे, आगे क्या उनकी हालत होती है आपस के अंदर, ये तब की तब देखिए।